हैसियत, नमाज की फजीलत, नमाज की ज़रूरत, नमाज का मियार, नमाज की क्वालिटी। नमाज का मकसद जो है बुनियादी, वो अल्लाह की याद है। सूरह ताहा की आयत है, आखिरी सलाता ज़िक्री, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। अच्छी नमाज वो है जिसमें ज़ुबान से भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र हो और नमाज की हालत में दिल भी अल्लाह की याद से सरशार रहे, सोच में भी अल्लाह ही रचा बसा, बेहतरीन नमाज हो। यानी कि इंसान का पूरा बदन भी अल्लाह की याद में गर्क है, उसकी ज़ुबान भी अल्लाह की याद में रतबुल लिसान है, और उसका दिल और उसका दिमाग, उसकी सोच, वो भी अल्लाह की याद में डूबी हुई है, तो ये बेहतरीन नमाज है। और सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों की कैफियत जब हम अहादीस में पढ़ते हैं तो हमें इसकी शहादत मिलती है कि वो कितनी यकसुई के साथ नमाज को अदा करते थे। एक बदवी सहाबी ने आके तीन मरतबा आपके सामने नमाज पढ़ी और तीनों मरतबा आपने उसको देख के फरमाया कि जाओ अपनी नमाज को दोबारा पढ़ो। और जब उसने ये कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे तो इससे बेहतर नमाज नहीं आती, तो फिर आपने उसको नमाज सिखाई और फिर बताया कि किस तरह क़याम करना है, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना है, किस तरह कोमा करना है, किस तरह जैसा इस्तराहत करना है, और बताया कि नमाज की हर फेल को, हर रुकन को, हर अमल को पूरे सुकून के साथ अदा करना है। यानी कि अगर कोई देख रहा हो कि वो बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको उसकी नमाज की अमली कैफियत देखकर ये महसूस ना हो कि ये बंदा जल्दी में, हमें पता चल जाते हैं ये जल्दी में, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी नमाज का पता चल जाए यार इसे वो जल्दी है, ऐसे कहीं जाने से। तो ये जल्दी का तासुर अगर देखकर किसी का आए तो इसका मतलब ये है कि उसकी नमाज में इत्मीनान की कैफियत नहीं है, उसकी नमाज में सुकून नहीं है, उसकी नमाज में ठहराव नहीं है, और वो एक फ़र्ज को सर से उतारना चाहता है, बस ये फ़र्ज सर से उतरे और भागो, तो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उस सहाबी को ये सिखाया, और इसकी तफसीर जो थी वो मैंने पिछली दफ़ा बयान की सही बुखारी की वो अहादीस की रोशनी में जो उस पर बयान हुआ। कुरान पाक में जो अहले ईमान की नमाज है उसकी एक सिफत बयान की गई, बहुत सारी सिफात हैं जिनके आगे आती जाएगी, लेकिन एक बुनियादी सिफत जो है वो ये है कि कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि बेशक कामयाब हुए वो अहले ईमान। ये 20 करोड़ भगवादी ना मुसलमानों की, समझे इनकी बाबा कुरान कह रहा है कि बेशक इन 20 करोड़ में से कामयाब हुए वो पाकिस्तानी मुसलमान, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो फकत ये नहीं कि नमाज पढ़ते हैं बल्कि अपनी नमाजों में अल्लाह की खशियत, खुशू को इख्तियार करते हैं, जिनकी नमाजों में खुशू खुशू होता है, खुशू खुशू के खुशू दिल की वो कैफियत है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का क्या, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, और अल्लाह अगर नाराज़ हो जाएगा तो मैं तबाह हो जाऊँगा, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाऊँगा, उसकी पकड़ में आ जाऊँगा। अल्लाह की अजमत, अल्लाह ताला की हस्ती का इंतहाई जो अजीम और बरतर और अली जो अजीम है उसका तसव्वुर करके और उसकी नाराज़गी से डर से जो दिल के अंदर जो एक कैफियत खौफ और रोग की पैदा होती है, उस कैफियत का जो असर इंसान के बदन पर होता है उसको खुशू कहते हैं। तो वो दिल की कैफियत, लेकिन अगर दिल में अगर किसी का शदीद कोई एक ख्याल पैदा हो जाए, शदीद रोग तारी हो जाए, शदीद उसकी मोहब्बत तारी हो जाए, और शदीद उसकी नाराज़गी का डर पैदा हो जाए, और उसकी पकड़ का डर पैदा हो जाए, तो वो दिल की कैफियत इंसान के चेहरे पर और उसके पूरे जिस्म पर एक ख़ास किस्म का एक कैफियत तारी करती है, दिल की कैफियत उसके बदन से यहाँ हो जाती है, ऐसी दिल की कैफियत का नाम है खुशू। तो फरमाया वो अहले ईमान कामयाब हुए जो नमाज भी कायम करते हैं और उनकी नमाजों में ये खुशू भी होता है, यानी कि उनके दिल में अल्लाह ताला की जो है वो याद रोग होता है। अच्छा, इसमें मैं एक नुक्ता और भी बयान करूँ
सूरह बकरा की एक आयत है, वस्ताइनु बिसब्रिवस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशी। यहाँ भी खशियत का लफ्ज आया, खाशी है। तो कहा कि सब्र से और नमाज से मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरा, और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत गहरा है, बहुत मुश्किल है, बहुत। लेकिन जो खशियत इख्तियार करते हैं उनके लिए नहीं। अब आगे बताया ये खशियत किन के दिलों में होती है, तो फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकु रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तो फरमाया वो जिनके दिलों में खशियत पैदा होती है ना, ये वो लोग होती हैं जिनको यकीन होता है कि अपने रब से मुलाकात करनी है, और पलट के ज़िंदगी का इख्तिताम अपने रब की बारगाह के हुज़ूर जाके पूरा होना है। तो जिनको अपने परवरदिगार से मुलाकात का यकीन नहीं होता, उनके दिलों में खशियत पैदा नहीं होती। यानी कि इसका तल्लुक भी इंसान के ईमान और अकीदे के साथ है। ये पुख्ता अकीदा होना कि मैंने बिल आखिर मर जाने और मैं चाहूँ ना चाहूँ आपके अपने रब के हुज़ूर मुझे पेश होने, उससे मेरी मुलाकात होनी है और उसने मुझसे बात पुरस करनी है। ये जो ख्याल है ना, इस ख्याल का इतना कवि हो जाना कि दिल इससे लबरेज हो जाए, और बिलखसूस जब नमाज की हालत में हो तो उस वक्त उसके ऊपर अल्लाह की ये जो हाजिर होने की जो अल्लाह के हजूर यकीन है, वो इस दर्जे में हो कि उसकी पूरी नमाज उससे मुतासिर। तो ये उसकी सिफत अल्लाह ने बयान की कि अल्लाह से मुलाकात का यकीन और मौत का यकीन इंसान के अंदर खशियत को पैदा करता है। एक और बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के हवाले से अपने एक फरमान में कही, उसने फरमाया कि इज़ा कुमता फी सलाती का फसल्ली सलाता मुवद्दीन। वह प्यारी बात इब्ने माजा की रवायत है कि आपने फरमाया कि जब तू नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो ये समझ के नमाज पढ़ो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। यानी कि अगर कोई बहुत बीमार हो और उसको डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारे पास 20 मिनट हैं यार, वो 20 मिनट किस कैफियत में गुजरेंगे? इंसान को बता दिया जाए यार ये तेरे पास आज का दिन आखिरी दिन है भाई, सुबह तुम्हें खांसी हो जाएगी, कल तुम्हें गोली मार दी जाएगी, या कल तुम इस बीमारी से मर जाओगे। जितनी जितनी इंसान को मौत की गुर्बत का यकीन होता चला जाता है, उसकी कैफियत बदलती चली जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ये सोच के नमाज पढ़ो कि गैर मुमकिन है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। तो इतनी तवज्जो से पढ़ो कि तुम्हें यकीन हो कि मेरी ये नमाज मुझे अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर, मेरी ये नमाज मेरे पिछले सारे गुनाह धो डालेगी, मेरी ये नमाज मुझे अल्लाह के अजर व इनाम का मुस्तक बना देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समझे कि एक ट्रिक बताई, तरीका बताया कि इस सोच के साथ नमाज को अदा करो। फिर मैंने पिछली दफ़ा एक रवायत बयान की थी, उस पर यह था कि हर नमाजी का अजर व सवाब मुख्तलिफ होता है। ये भी मैंने पूरी हदीस पढ़ी थी, अब मैं उसको नहीं पढ़ता, अबू दाऊद की रवायत है। आपने यानी कि उसका मफहूम ये है कि एक ही साफ में, एक ही हाल में, एक ही जगह, एक ही मस्जिद में, एक ही इमाम के पीछे 20 नमाजी नमाज पढ़ते हैं या 100 नमाजी पढ़ते हैं, तो किसी को 10% नमाज का सवाब मिलता है, किसी को 20% मिलता है, किसी को 50% मिलता है, किसी को 100% मिलता है, और किसी को मिलता ही नहीं है, उसकी नमाज उठा के उसके मुँह पर दे मारी जाती है, किसी को मिलता ही नहीं है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपको पता है कि कुरान में आता है मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे। यानी कि इसलिए कि नमाज ऐसी चीज़ थी कि तसव्वुर ही नहीं था कि कोई अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ता हो और नमाज ना पढ़ता हो, तसव्वुर ही नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तसव्वुर ही नहीं था। देखिए आप खुद सोचें कि ये मस्जिद नबी है और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत के लिए खड़े हैं, आपने अजान दी है और आप बुला रहे हैं या हज़रत बुला को अजान दो, और आप देख रहे हैं कि यार ये सर्विस सोसाइटी में 400-500 घर हैं और सफ़ेद हो भी नहीं हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या हो? ये है जो मुझ पर ईमान लाए हैं। इसलिए हदीस में बहुत वाज़े तौर पर आया है आदमी के इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो बिल्कुल वाज़े फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज। ओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इसलिए उस आयत से इस्तदलाल किया था कि जिसमें यह था कि अगर ये ईमान लाएं, नमाज कायम करें और ज़कात दें तो फिर इनकी राह छोड़ दो। उससे आपने इस्तदलाल किया था कि जो ज़कात नहीं देगा, एक रस्सी के बकद्र भी अगर उस पर ज़कात बनती है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनती थी और देता था, अब नहीं देगा तो अबू बकर की तलवार उसका सर उड़ा देगी। उसी ज़कात के साथ उससे पहले नमाज का जिक्र है। यानी कि अबू बकर सदी तरह की इस फहमे कुरान को मुहद्दिसीन ने बयान किया है
कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और ज़कात नहीं देता तो उसके ऊपर खलीफा राशिद मौत का हुक्म जारी कर सकता है, हुक्म का, यानी कि ये फहम को बयान किया है, ये इतनी अहम चीज़ है। तो इसलिए जो नमाज पढ़ते हैं उनका अजर मुख्तलिफ होता है, और उनका अजर क्यों मुख्तलिफ होता है, किसने कितनी इखलास के साथ, कितने खुशू-खुज़ू के साथ, कितने इत्मीनान और कितने ठहराव के साथ नमाज अदा की है, और नमाज के दौरान किसने कितनी ज़्यादा अल्लाह का जिक्र किया है। किसी ने सारी ज़िंदगी कुलू अल्लाह पढ़ी है, और कोई अलबकरा भी पढ़ता है, आल इमरान भी पढ़ता है, अल्लैल भी पढ़ता है, अद्दुहा भी पढ़ता है, कोई रुकू में जाके फ़कत 3 दफ़ा तस्बीह कहता है, कोई 11 दफ़ा कहता है, कोई 9 दफ़ा कहता है, कोई यानी कि इससे भी ज़्यादा कहता है, किसी का सजदा 10 सेकंड का होता है और किसी का सजदा 2-2, 3-3 मिनट का होता है, ठीक है, और कोई सजदे में फ़कत तस्बीह करता है, कोई सजदे में अपने रब से मनाजात करता है, उससे दुआएं करता है, उससे इस्तिगफार करता है, उससे दुनिया आखरत की सारी नेमतें मांगता है, उससे दुनिया आखरत के तमाम शुरू से पनाह चाहता है, दोनों के सजदों में फ़र्क हो जाएगा। इसके बाद जो सूरह निसा की 44 नंबर आयत है, शुरू में आपको पता है कि जब कुरान उतर रहा था तो दीन में तदरीज यकदम अल्लाह ताला जो है ना वो कोई हुक्म दे के उसको किसी बात का ना हुक्म देते थे ना किसी से रोकते थे, तदरीज थी के साथ साथ तरबियत का अमल जारी था, ईमान की परवरिश हो रही थी, पर आहिस्ता आहिस्ता दीन पर उनको पुख्ता किया जा रहा था। तो शुरू में शराब की हुरमत का हुक्म नहीं आया था, शराब शुरू में यानी कि हलाल थी, तो बा सहाबा शराब पी के मस्जिद में आ जाते थे, तो नमाज में फिर उनकी जो कैफियत थी वो उस तरह नहीं होती थी जिस तरह एक उस शख्स की होती है कि जिसका शऊर बिल्कुल सही हालत में होते हैं। और शुरू में शराब के लिए उसकी कराहत का बयान अल्लाह ने किया। दूसरे नंबर पे फिर ये हुक्म आया, ये जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब कराहत का बयान किया तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर जैसे लोग थे ना जो दीन के मजाज और उसकी रूह से आशना थे, वो समझ गए कि शराब पीनी जो है पसंदीदा अमल नहीं है, और उनकी छठी इसने कह दिया कि ये बिलाखिर अल्लाह इसको हराम कर देगा। वो उस कराहत के हुक्म को देख कर ही उन्होंने दादा लगा लिया, ठीक है। ये जो ज़ी फ़हम सहाबा थे और बड़े जलीलुल कद्र थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ज़्यादा यानी कि जिनको वक्त गुजारते थे, तो बाज़ ऐसे थे जो अंदाज़ा नहीं कर सके, तो वो शराब पी के भी मस्जिद में नमाज किया जाता। अब फिर अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा में हत्ता तअलमू मा तकुलून, इसमें अल्लाह ताला ने वो शराब पी कर नमाज पढ़ने से मना कर और कहा इसलिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो, मा तकुलून, तुम अल्लाह के अल्लाह से क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नशा चढ़ा होगा तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम क्या कह रहे हो, तो पता नहीं क्या उल फूल तुम कहते रहोगे, तो मना कर दिया। तो इससे उलमा ने बाज़ उलमा ने ये इस्तदलाल किया कि बेहतर नमाज वो है कि जिसमें नमाजी को पता हो कि वो क्या कह रहे हैं। शराब तो हराम हो गई, लेकिन अब ये है कि बहुत से लोग जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज की तस्बीहात पढ़ते हैं, नमाज के अज़कार पढ़ते हैं या नमाज में कुरान पढ़ते हैं, तो वो उनको उन तस्बीहात के मायने नहीं आते, उन अज़कार का फ़लसफ़ा नहीं आता, जो कुरान पढ़ा जाता है उसका फहम हासिल नहीं होता, तो उनको सवाब तो अल्लाह देगा उनके इखलास उनकी मेहनत के बकदर, लेकिन वो दर्जा हासिल नहीं होगा जो दर्जा नमाज को समझ कर अदा करने से हासिल होगा। इसलिए फिर ये भी नमाज को बेहतर करने के लिए है कि हम नमाज को समझ के पढ़ें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है अबू दाऊद की, उसमें आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन सलातिन ला तनफ़ाउ, ए अल्लाह मैं ऐसी नमाज से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसका कोई फ़ायदा ही ना हो। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी नमाज की इतनी फिक्र थी कि मेरी नमाज ज़ाया ना हो जाए, बात समझ रहे हैं। तो आपने फरमाया या अल्लाह मुझे ऐसी नमाज के पढ़ने से बचाना जिसका फ़ायदा ना हो, यानी कि ये समझें कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए समझें इस दुआ को जारी फरमाया कि हम अपनी दुआओं में इसको शामिल करें, आपको अरबी में नहीं आती उर्दू में शामिल करें, या अल्लाह मुझे ऐसी नमाज से बचा जो ज़ाया हो जाए, मतलब ये है कि मुझे कबूल होने वाली इबादत की तौफीक दे, कबूल होने वाली इबादत की, कबूल होने वाले रुकू की, कबूल होने वाले सजदों की तौफीक, ऐसी नमाज की तौफीक दे जो तेरी बारगाह में कबूल हो।
अल्लाह अकबर। अच्छा, जो मुनाफिकीन की नमाज का सूरह तौबा में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, जिसका इशारा मैंने पहले भी किया, मुनाफिकीन की नमाज की भी कुछ अलामतें जो था अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र कर दी। मसलन ये आयत सुनिए, अल्लाह ने फरमाया वला यातूनस सलाता, कि वो नमाज की तरफ नहीं आते, इल्ला वहुम कुसाला, लेकिन बड़े ढीले 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 ढीले, बड़ी सुस्ती और काहली के साथ। मुनाफिकीन की नमाज वो कौन सी है जिसमें वो एक्टिव होके नमाज के लिए नहीं आते, बड़ी सुस्ती के साथ आते हैं, कि जैसे यानी कि पढ़ना नहीं चाहते लेकिन पढ़ना पड़ रही है यार। लेकिन जो जो सही नमाजी होते हैं ना, वो इस इंतजार में रहते हैं कि यार अभी अजान होगी तो मैं उठूंगा और वुजू बनाऊंगा और मस्जिद जाऊंगा। वो नमाज के इंतजार, वो अपनी पूरी जिंदगी की रूटीन नमाज के हिसाब से सेट करते हैं। ठीक है भाई, मैं आपको जोहर की नमाज के बाद मिलूंगा, मैं आपको असर से पहले मिलूंगा, मैं आपको मगरिब के बाद खाने पे आप माई तरफ आएंगे। वो नमाजों के औकात के हिसाब से अपनी जिंदगी को सेट करते हैं, बात समझे। वो किसी को वो टाइम भी देगा नहीं, यार ये अजान हो जाएगी उसमें नमाज का टाइम होगा, सॉरी यार इसके बाद या इससे पहले, उसको उसको पता है मैं नमाज अदा, एक्टिव है वो। लेकिन मुनाफिकीन की नमाज क्या है, उनको परवाह ही नहीं होगी नमाजों के औकात की, और वो बहुत ढीले और बहुत यानी कि इसलिए कि लोग ये ना कहें कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा ये मुनाफिक है, क्योंकि आपके दौर में इसका तसव्वुर नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी जगह एक उनकी नमाज का जो हाल बयान किया उसमें ये फरमाया वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये मुनाफिक वो हैं कि जो अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं, यानी कि ये दूसरों को जितना दिखाने के लिए साबित हो जाए कि हम भी मुसलमान हैं उतना जिक्र करते हैं, इससे ज़्यादा जिक्र नहीं करते। तो इनकी जो नमाज है उसमें अल्लाह का जिक्र कम होते हैं, और ये बड़ी सुस्ती के साथ नमाज अदा करते हैं। और एक और रवायत सही बुखारी की, उसमें आपने फरमाया अस्कलुस्सलाती अनिल मुनाफिकीन अलइशा वल फज्र, के जो मुनाफिक होते हैं उसके ऊपर जो सबसे भारी नमाज होती है वो फज्र की और ईशा की होती है, और उसका बेहतरीन हाल ये है कि रात को इंसान जल्दी सो जाए, जल्दी नहीं सोएगा तो फज्र में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ईशा में भी बंदा सारा दिन का थका होता है, नींद आई होती है, वही मुश्किल होती है। तो कहा मुनाफिकीन पे ये भारी होती है। तो आजकल तो अभी आप देखें जुमे में कितने नमाजी हैं, आप सब असर में देखने आए, ये कैमरे लगे हुए हैं, असर में कितने नमाजी हैं, ये कैमरा गवाही देगा। असर में मुश्किल से दो सफ़ी होंगी, पहले वो जब से कोरोना हुआ है अब तो वो पाँच चार चार फुट पे खड़े होते हैं ना, एक साफ पे मुश्किल से आठ बंदे होते हैं, दो सफ़ों का मतलब है 16, तीन सफ़ों का मतलब है 24, मुश्किल से 24 से 30 नमाजी होती हैं इस वक्त जुमे में, दादा काल ने 400-500 बंदा हुआ नीचे तो पर। असर के बाद आप ईशा में देख लें उससे कम है, और फजर में देख लें तो मुश्किल से दो सफ़े पूरी होती है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नमाज का बयान इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से और ज़िंदगी रही तो जारी रहेगा। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।